हेलो नमस्ते, मैं हूं नम्रता दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बॉस एपिसोड रिव्यू की। बिग बॉस सीजन 12 का विनर आपको महज कुछ घंटों में मिल जाएगा, लेकिन आपको बता दें कल क्या दिन, यानी कि क्या कुछ खास रहा घर वालों के लिए। तो ये जो कल का आखिरी दिन था, घर वालों के लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल रहा। कल के दिन बिग बॉस ने सभी घर वालों को एक रूम में बुलाकर उनकी जो पुरानी यादें हैं, बिग बॉस के घर में जितने भी खूबसूरत पल घर वालों ने, ये 5 कंटेस्टेंट ने बिताए हैं, वो एक शॉर्ट फिल्म के जरिए उनको दिखाई गई और घर वाले काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए, साथ ही उनको एक स्ट्रेंथ मिल गई है। बिग बॉस ने सबसे पहले बुलाया हमारे दीपक ठाकुर को और उन्हें पब्लिक रिव्यू जो है, पब्लिक के व्यू बताया दीपक के लिए कि दीपक कैसा खेल रहे हैं, साथ ही घर में जिस तरह के पल उन्होंने बिताए हैं, हंसी खुशी की बात हो या फिर जब वो रोए हैं या फिर जब उनका अग्रेशन दिखा है, उनके पीठ पीछे लोगों ने कैसी बातें की, वो सब कुछ बिग बॉस ने आखिरी दिन में दीपक ठाकुर को भी दिखाया, जिसके चलते दीपक कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए। बिग बॉस ने दीपक से ये भी कहा कि पहली बार दीपक आपकी वजह से आपके पिता ने 1000 के जूते पहने, साथ ही वो पहली बार फ्लाइट में बैठकर आपसे मिलकर आए और आपने उन्हें बहुत ज्यादा ही गर्वान्वित किया है, जिसके चलते दीपक बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बिग बॉस का शुक्रिया अदा करते नजर आए। दीपक ठाकुर के बाद बिग बॉस ने बुलाया हमारे करणवीर बोहरा को और करणवीर को उनके बारे में पब्लिक क्या सोचती है वो एक रिव्यू बताया, साथ ही ये भी बताया कि उनका जो घर में उनके दोस्त अपने आप को जो दोस्त कह रहे हैं, वो पीठ पीछे उनके खिलाफ कैसी बातें करते हैं, दीपिका उनके बारे में क्या सोचती हैं, श्रीशांत उनके बारे में क्या सोचते हैं, और जितने भी दिन 15 हफ्ते केवी ने बिताए हैं बिग बॉस के घर में, वो पूरे एक शॉर्ट फिल्म के जरिए केवी को भी दिखाया बिग बॉस ने, और केवी इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गए और केवी अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगे बाकायदा, क्योंकि उनके लिए ये जो पल था कुछ ज़्यादा ही इमोशन से भरा था। केवी के बाद बिग बॉस ने बुलाया हमारे श्री भैया यानी श्रीशांत को, और श्रीशांत को जब पता चला कि लोग उनके अग्रेशन के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं और उनके पर्सनल लाइफ को लेकर लोगों के ओपिनियन चेंज हो गया, तो श्री भी इस बात को लेकर बिग बॉस को थैंक यू कहते नजर आए, और घर वालों का जो एक हिस्ट्री के रूप में अपने फिल्म के रूप में उन्होंने जब देखा, घर वालों का रिएक्शन देखा और बहुत सारी चीज़ें जब जानी, तो वो भी कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गए। श्रीशांत के बाद बुलाया बिग बॉस ने हमारे रोमिल को, रोमिल के बारे में ज़्यादा बातें तो नहीं दिखाई गई, लेकिन जितनी भी बातें दिखाई गई रोमिल भी उस बात को लेके काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि लोगों का जो व्यू है रोमिल के लिए, फैन पेजेस जो बने हैं वो भी दिखाया गया, और रोमिल इस बात को लेके कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ फील कर रहे थे, वो अपने आप को मजबूत फील कर रहे हैं, और बिग बॉस को इस बात के लिए उन्होंने दिल से शुक्रिया अदा की। बाकी बाद में 5वें कंटेस्टेंट के तौर पर दीपिका को बुलाया गया और दीपिका इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल इसलिए हो गई क्योंकि उनके फैंस ने उन्हें बिल्कुल भी फेक और ये बात पर बेपरवाह होने के लिए कहा, क्योंकि वो जो रियल है वो दीपिका दिखाई दे रही हैं, और इस बात को लेकर उनके फैन भी इस बात को जानते हैं और घर वालों ने उनके पीठ पीछे क्या बातें की हैं, और दीपिका और शोएब की जो लव स्टोरी है वो भी घर में दिखी है, साथ ही दीपिका कब कब अग्रेसिव हुई हैं ये भी बिग बॉस ने दिखाया, और ये पूरी जर्नी देखकर जितने भी 5 कंटेस्टेंट हैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गए। इमोशंस के साथ साथ उनमें एक स्ट्रेंथ भी आ गई, जिसे देखकर अब जीत का जो जज्बा है उनमें बढ़ गया है, साथ ही बिग बॉस का फिनाले यानी कि कुछ घंटे दूर है और बिग बॉस सीजन 12 से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको टेली रिपोर्टर देता रहेगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।